अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं मलिक एंड फूड और फूड स्ट्रीट में, न्यूली ओपन रेस्टोरेंट दादा पोता फिश। अभी हम दादा पोता फिश पे खाना ऑर्डर करेंगे। और यहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हमें बहुत देर बाद मौका मिला यहाँ पर आने का। तो अब हम मेन्यू में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखें आप लोग, बट मैं इनके ऊपर ही छोड़ता हूँ और इनसे कुछ बात करता हूँ कि इनकी स्पेशल चीज़ क्या है और इस वक्त क्या अवेलेबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ अवेलेबल है। सामने को मैडम, मैडम इस वक्त क्या अवेलेबल है आपके पास? एक्चुअली हमारे पास जो है इस वक्त शवरमा अवेलेबल है अभी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आज हमने अपने मेन्यू में से इंट्रोड्यूस कराई थी फिश एंड चिप्स। अच्छा। और हमने गार्लिक मेयो रोल, चिकन चटनी रोल और हमने चिकन स्ट्रिप्स अपनी विद टाटर सॉस आज इंट्रोड्यूस कराए थे। अच्छा। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली रश और बहुत ज़्यादा 40 kg हमारी फिश थी जो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। और अभी शवरमा है हमारे पास, अगर आप ट्राई करना चाहें तो मैं आपको। जी शवरमा हमें ट्राई करा दें और चिकन रोल है तो चिकन रोल भी ट्राई करवा दें। ऑलराइट गाइस, हमने अभी खाना ऑर्डर किया है, उनके ऊपर ही रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था और मोस्टली चीज़ें ख़त्म हो गई और हमें पहले मौका ही नहीं मिल रहा था। और ज़ाहिर है हमारे पास इक्विपमेंट होता है इतने लोगों में, किस तरह हम जाके ऑर्डर करें। तो अभी जो आ रहा है हम वो ट्राई करके आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको रेट करके भी बताएँगे। गाइस खाना आ गया है और अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है शवरमा और ये है इनका चिकन मायो रोल। इस वक्त यही अवेलेबल था, मैं आपको फिर बताता हूँ, रश इतना था कि कोई चीज़ बची नहीं है। हालांकि इनकी स्पेशल फ़िश है बट फ़िश इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो अभी हम लोग यही ट्राई करेंगे और आपको बताते हैं कैसे। अब मैं इनका शवरमा ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त यार, बहुत मज़े का। फाइनली यहाँ पे एक अच्छा शवारमा भी अब मिलेगा हमें, दैट्स गुड। अब मैं ट्राई करूंगा जी चिकन मायो रोल। रोल का मैं आपको बताऊं, ये लोग अगर कंपीट कर सकें तो मैं खा कर ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी खान जी पे बहुत अच्छा रोल मिलता है और अरोमा पे बहुत अच्छा रोल मिलता है, लेकिन इनका मैं रोल ट्राई करके आपको बताता हूं कैसा है। देखें, बाइट रेडी है मेरी। बहुत आला, ज़बरदस्त रोल, बहुत अच्छा है। इनकी जो पूरी पराठा है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा ऑयली नहीं है और मायो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चिकन वो भी बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त यार। फूड और स्ट्रीट के ऊपर, फूड स्ट्रीट के ऊपर इस लेवल का जो है ना, मतलब ये सारा डिफरेंट टाइप का बना हुआ है बेसिकली। इसके अंदर जो रोल के अंदर जो चिकन है ना, वो थोड़ा क्रश करके डाला है, सही है। तो ये मेरे ख्याल से कि ज़रा डिफरेंट आइडिया इन्होंने जो है ना लगाया, तो ये है कि अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बार बार हमसे आगे पूछते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। अब हम अपने चटनी रोल भी मंगवाया, वो आता तो फिर आपको ट्राई करके बता दें। ये बच्चा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? शाज़िब।
शावेब, ये रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताओ। ये दादा पोता जो इतना यूनिक नाम है, किस लिए है आप लोगों ने? जी, ये मेरे दादा ने रखा है एक्सक्लूसिवली नाम, और ये दादा पोता उन्होंने ही रखा है, और बड़े ये अट्रैक्टिव नाम है, कस्टमर अट्रैक्शन पर बढ़ती है। अच्छा, गुड, नाइस थिंकिंग। ये देखें, रोल्स में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला जो रोल है वो चटनी रोल होता है, और अब देखते हैं इनका चटनी रोल कैसा है। आरा यार, ज़बरदस्त यार, बहुत मज़े का। तो चिकन चटनी रोल है अभी मेरे पास, ये मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ इनका, ठीक है। फोर डॉट कॉम्प्लेक्स पे हम ज़्यादातर खान जी का चटनी रोल खाते थे, काफ़ी फेमस था। तो अभी यहाँ पे दादा पोता वालों का इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया है, ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, ये इनकी सॉस है, आप इनकी सॉस की क्वालिटी चेक कर लें। ये देखें, चले क्या बात है यार। डालेगा ही नहीं है यार, बहुत मज़े का है यार, ये तो बहुत टाइट है यार। ये देखो, ये देखो, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो? ऑल राइट गाइज, आज हमने दादा पोता फिश से खाना ट्राई किया, बहुत मज़े का खाना था। आई होप आप लोगों के ब्लॉग पसंद आया होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।